बच्चों क्लास सेवंथ का जो मैथमेटिक्स का पेपर था उसका सॉल्यूशन आज मैं लेके आया हूँ तो इसमें आप लोग देखेंगे कहाँ आपकी गलती हुई थी कहाँ आप ठीक से नहीं कर पाए थे अगर नहीं कर पाए थे तो उसको दोबारा आप इम्प्रूव करेंगे तो यहाँ फर्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है द सम ऑफ टू इंटी टू नंबर्स इज माइनस सिक्सटीन फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसका ए पार्ट है सम दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स आपका दिया हुआ है माइनस सिक्सटीन एंड कहता है वन उसमें से एक नंबर जो है वन नंबर इक्वल टू ये दिया हुआ है नाइनटीन कहता है अदर फाइंड करना है, अदर नंबर इक्वल टू सम में से सम में से इसको आप माइनस कर देंगे ये आपका आ गया माइनस थर्टी फाइव तो फर्स्ट का ये आया सेकेंड में कह रहा है सेकेंड में कह रहा है द सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर दो नेगेटिव इंटीजर का सम ऑलवेज नेगेटिव आता है तो इसमें नेगेटिव आप लिख देंगे नेगेटिव आएगा थर्ड कह रहा है सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स किसी इंटीजर का एग्जाम्पल के तौर पर दिख लीजिए एक इंटीजर है टू और इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस टू होगा दोनों का सम आप फाइंड करेंगे तो टू माइनस टू इक्वल टू जीरो तो किसी भी इंटीजर का उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ जब आ, उसका सम करते हैं तो वो ऑलवेज जीरो आता है डी पार्ट में आपका दिया हुआ है कह रहा है डैश प्रॉपर्टी इज रिफ्लेक्टेड इन दिस इक्वेशन सेवन मल्टीप्लाई फाइव सेवन मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई सेवन ये क्या कर रहा है ये रिवर्स हो रहा है दोनों का ऑर्डर चेंज हो रहा है तो ऑर्डर चेंज किसमें होता था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इसमें आपका ऑर्डर चेंज होता है और लास्ट है कहता है डैश इज द एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 998, एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 998 इज 998. नाइन आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया क्वेश्चन टू में कह रहा है एक टेस्ट में इन अ टेस्ट फाइव मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर हर एक करेक्ट आंसर पे आपका फाइव मार्क्स आ रहा है और इनकरेक्ट आंसर है तो उसपे टू मार्क्स आ रहा है माइनस टू मार्क्स अब यहां कह रहा है और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को तो वो जीरो मार्क्स आता है राम ने थ्री करेक्ट आंसर एंड फोर इनकरेक्ट आंसर राम अटेम्प्ट जो किया उसमें से उसका थ्री करेक्ट हुआ और फोर इनकरेक्ट हुआ तो कहता है उसका स्कोर क्या होगा डायरेक्ट आप लोग फाइंड करेंगे स्कोर ऑफ राम कितना है इसमें कह रहा है थ्री करेक्ट और प्लस फोर इनकरेक्ट थ्री करेक्ट सेवन क्वेश्चन था टोटल अटेम्प्ट तो टोटल लिया है वो थ्री करेक्ट है तो थ्री मल्टीप्लाई फाइव प्लस फोर मल्टीप्लाई माइनस टू तो ये आया आपका फिफ्टीन प्लस माइनस एट इक्वल टू फिफ्टीन माइनस एट इक्वल टू सेवन सेवन मार्क्स आया राम को थर्ड में कह रहा है आपको पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका सम माइनस फोर आ जाए बहुत सारा इंटीजर है कुछ भी इसमें आप लिखेंगे जिससे माइनस फोर आ जाए हमने लिखा माइनस टू प्लस माइनस टू दूसरा पेयर भी आप लिख सकते हैं एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव करके लिख सकते हैं आप ऐसा लिख सकते हैं टू प्लस माइनस सिक्स माइनस फोर आएगा तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप इसका आंसर बहुत सारा तरीके बहुत वे में दे सकते हैं बी में कर रहा है सम ज़ीरो आ जाए सम तब जीरो आएगा जब दोनों का एब्सल्यूट वैल्यू सेम है और न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन के साथ है जैसे माइनस फाइव प्लस फाइव माइनस टेन प्लस टेन जीरो आ जाएगा और कह रहा है दो, दोनों का डिफरेंस टू हो तो डिफरेंस सी नंबर में डिफरेंस टू हो तो एक नंबर हमने लिखा सिक्स और दूसरा लिखा फोर डिफरेंस टू आ जाएगा फाइव लिखा थ्री और उसके बाद टू जीरो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें जो दो, दोनों का डिफरेंस जीरो आ जाए सॉरी uh, टू आ जाए फोर्थ नंबर में आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू फाइंड करना है माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस डॉट 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 ये आपका 500 टाइम्स तक है इसका मतलब हुआ ये माइनस वन जो है वो 500 टाइम्स रिपीट हो रहा है आप ये बात बताइए माइनस वन प्लस माइनस वन और प्लस माइनस वन हमने लिखा थ्री टाइम्स सपोज कर रहे हैं इसमें क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन तीन थ्री टाइम्स आया तो माइनस थ्री अब फाइव हंड्रेड टाइम्स आएगा तो इसका वैल्यू माइनस फाइव हंड्रेड हो जाएगा नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई में आप देखेंगे किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड इसमें यूज होगा इंटीजर का क्वेश्चन है बोर्ड मास यूज होगा फाइव नंबर में वन वन एट माइनस बिग ब्रैकेट वन टू वन डिवाइड बाय इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन माइनस माइनस फोर माइनस करली ब्रैकेट थ्री माइनस नाइन माइनस टू वेनुकुलम करली ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज सबसे पहले आप वेनुकुलम का वर्क कीजिए वहां पर तो ये आ गया वन वन एट माइनस बिग ब्रैकेट वन टू वन डिवाइड बाय इलेवन मल्टीप्लाई इलेवन माइनस माइनस फोर माइनस करली ब्रैकेट थ्री माइनस ये दोनों माइनस करेंगे सेवन आ गया फिर आप स्मॉल ब्रैकेट जहां भी वर्क है स्मॉल ब्रैकेट का आप वर्क कंप्लीट कर लीजिए वन वन एट माइनस बिग ब्रैकेट वन टू वन डिवाइड बाय वन टू वन ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए यहां पर प्लस फोर माइनस करली ब्रैकेट थ्री माइनस सेवन अब आप कर्ली ब्रैकेट का वर्क कर लीजिए वन वन एट माइनस बिग ब्रैकेट वन टू वन डिवाइड बाय वन टू वन प्लस फोर माइनस ये आ गया आपका माइनस फोर कर्ली ब्रैकेट क्लोज फिर आप वन वन एट माइनस बिग ब्रैकेट वन टू वन डिवाइड बाय वन टू वन प्लस फोर और प्लस फोर ये आपका बिग ब्रैकेट क्लोज होगा बिग ब्रैकेट के के अंदर का वर्क करिए वन वन एट माइनस बिग ब्रैकेट इस दोनों को डिवाइड किए वन आया प्लस यहां पर आप फोर प्लस फोर यह आगे आपका वन वन एट माइनस बिग ब्रैकेट ये टोटल सम करेंगे तो बिग ब्रैकेट हटा भी सकते हैं यहां से टोटल सम करेंगे नाइन आएगा इसका मतलब ये वन जीरो नाइन सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रिजल्ट वन नाइन आ गया नेक्स्ट है आपका कहता है एक कार्टन है उसमें फोर्टी बॉक्सेस ऑफ नेल्स है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गया फोर्टी और हर एक बॉक्स का वे दिया हुआ है थ्री होल थ्री बाय फोर के जी थ्री होल थ्री बाय फोर के जी कहता है जो हाउ मच वुड अ कार्टन ऑफ नेल वे क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स है टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ बॉक्सेस ये आपका आ गया फोर्टी वेट ऑफ वेट ऑफ वन बॉक्स एक बॉक्स का आपका दिया हुआ है एक बॉक्स का दिया हुआ है थ्री होल थ्री बाय फोर के जी यह आ गया आपका फिफ्टीन बाय फोर के जी तो टोटल वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ फोर्टी बॉक्सेस फोर्टी मल्टीप्लाई फिफ्टीन बाय फोर के जी फोर से टेन टाइम्स में कैंसिल किया वन फिफ्टी के जी आपका आ गया टोटल वेट नेक्स्ट कह रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास है उसमें से वन नंबर एक नंबर भी दिया हुआ है कह रहा है वो अदर नंबर क्या है सेवन नंबर क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू नंबर्स का प्रोडक्ट है ट्वेंटी होल फाइव बाय सेवन वन हंड्रेड फोर्टी फाइव बाय सेवन वन नंबर दिया हुआ है इसमें वन नंबर आपका दिया हुआ है सिक्स होल टू बाय थ्री ये आ गया ट्वेंटी बाय थ्री कहता है अदर नंबर फाइंड करना है अदर नंबर इक्वल टू वन हंड्रेड फोर्टी फाइव बाय सेवन डिवाइड बाई ट्वेंटी बाय थ्री यहां आप सॉल्व करेंगे इसको ये आएगा वन फोर्टी फाइव बाई सेवन मल्टीप्लाई थ्री बाय ट्वेंटी फाइव से कैंसिल फोर टाइम्स में और फाइव से कर दीजिए फाइव टू जा और फाइव नाइन जा एटी सेवन बाई ट्वेंटी एट ये आपका अदर नंबर आएगा नेक्स्ट है इसमें कंपेयर करना है एट्थ नंबर क्वेश्चन में कंपेयर करना है किस तरीके से ये कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है तो आप एक ऑप्शन लेंगे और उसमें कंपेयर करके देख लेंगे कौन सा उसमें बड़ा है छोटा है इंक्रीज इसमें असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन हमारे पास है एट नंबर में फ्रैक्शन हमारे पास है वन बाय टू नाइन बाय थर्टीन थ्री बाय फोर और लास्ट है ट्वेल्व बाय सेवेंटीन आप सबसे पहले इसको लाइक में चेंज कर लेंगे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए एल फाइंड करते हैं एल ऑफ टू फोर थर्टीन और 17 का आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा एट एट फोर आया अब वन बाय टू है वन बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर एट एट फोर लाना है तो इसको क्या करेंगे फोर फोर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर फोर टू इसका भी आया तो ये आया फोर फोर टू बाय एट एट फोर नेक्स्ट आया नाइन बाय थर्टीन नाइन बाय थर्टीन को तो सिक्सटी एट से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको एट एट फोर थर्ड है आपका थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर है इसमें आप टू टू वन से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आपका आ गया एट एट फोर और ये आया थ्री सिक्स सिक्स नेक्स्ट है आपका ट्वेल्व बाई सेवेंटीन सेवनटीन आया है तो फिफ्टी टू से आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका अब यहां देखेंगे आपके पास फ्रैक्शन जो नया आया है ये फोर फ्रैक्शन है इसमें आप कंपेयर करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में देखना है ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा आ रहा है सबसे छोटा ये है सबसे छोटा कौन सा आया वन बाई टू आया उससे बड़ा उससे बड़ा देखेंगे तो ये हमारा सेकेंड नंबर सिक्स वन टू तो नाइन बाय थर्टीन आया उससे बड़ा 12 बाई सेवेंटीन आया और सबसे बड़ा हमारा 3 बाय फोर आया तो आप ऑप्शन इसमें देख लेंगे जो कौन सा हमारा करेक्ट है 1 बाय टू नाइन बाय थर्टीन टवेल्व बाई तो ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आया चलते हैं नेक्स्ट नाइन नंबर क्वेश्चन पे एक टू व्हीलर कवर करता है डिस्टेंस 54, 55.4 किलोमीटर इन वन लीटर पेट्रोल 7.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कर, कवर करेगा वन लीटर पेट्रोल में टू व्हीलर के द्वारा मतलब डिस्टेंस कवर जो हुआ है वो फिफ्टी फोर पॉइंट फिफ्टी फाइव पॉइंट फोर किलोमीटर है किलोमीटर है अब कहता है इसमें डिस्टेंस कवर बाय टू व्हीलर इन सेवन पॉइंट फाइव लीटर पेट्रोल इक्वल टू फिफ्टी फाइव पॉइंट फोर मल्टीप्लाई सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको फोर हंड्रेड फिफ्टीन पॉइंट फाइव किलोमीटर आपका आएगा नेक्स्ट में टेन नंबर टेन नंबर में अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यहां पर सिक्सटीन पॉइंट एट फोर है दूसरा आपका आ गया 16.48, थर्ड है आपका 16.8, फोर्थ है 1.684 और नेक्स्ट है 16.08. सबसे पहले जब हम लोग कंपेयर करते हैं डेसिमल को एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए तो फर्स्ट वर्क होता है हमारा लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल में इसको चेंज कर लेना है लाइक डेसिमल में चेंज करने का मतलब है डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए इसमें टू डिजिट है इसमें भी टू है इसमें वन है इसमें थ्री है और इसमें टू है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इज थ्री तो सबको थ्री में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आया सिक्सटीन पॉइंट एट फोर जीरो सिक्सटीन पॉइंट फोर एट जीरो सिक्सटीन पॉइंट एट डबल जीरो वन पॉइंट सिक्स एट फोर और आया सिक्सटीन पॉइंट जीरो एट जीरो अब आप इसमें देखेंगे सबसे छोटा है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे छोटा इसमें कौन है ये सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी है सिक्सटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटीन वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी फोर और सिक्सटीन थाउजेंड एटी तो सबसे छोटा हमारा फर्स्ट आ गया ये वन पॉइंट सिक्स एट फोर इससे बड़ा हम लोग देखेंगे ये सिक्सटीन एट हंड्रेड फोर्टी फोर हंड्रेड एट्टी एट हंड्रेड एंड एट्टी तो नेक्स्ट आ गया आपका सिक्सटीन पॉइंट जीरो एट जीरो फिर इसके बाद ये आपने दो लिख दिया अब आपके पास थ्री नंबर्स बचा हुआ है थ्री में ये देखेंगे 840 है ये 480 है ये 800 है तो इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा 16.480 और उसके बाद आ गया सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट एट डबल जीरो और सबसे बड़ा आ गया सिक्सटीन पॉइंट एट फोर जीरो इसका जो बेस फॉर्म है उसमें आप लिख लेंगे इसको 1.684, 16.08, 16.48 और 16.8 और 16.84 यही आपका करेक्ट हो तो आप लोग देख लेंगे आप कहाँ कहाँ मिस किए हुए, जो मिस किए हैं जो आपसे करेक्ट नहीं हुआ है उसको आ, फिर से आप दोबारा इम्प्रूव करेंगे थैंक यू